देशवासियों को मौलिक अधिकारों की शक्ति देने वाले संविधान का स्थापना दिवस शुक्रवार को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। सब्जी मंडी पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बाबा साहेब के अनुयायी एकत्रित हुए। यहां स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बाबा साहेब अमर रहे के नारे भी लगाए गए। बाबा साहेब के अनुयायी शिवराम किरावर ने बताया कि वर्ष 1949 में 26 नवंबर को भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लगभग 3 वर्ष में बनकर तैयार हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 में देश ने अपनाया। 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। हम संविधान की रक्षा इसके सिद्धांतों पर अमल करके भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस की प्रस्तावना पास हुई थी और 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। इस संविधान लागू होने के बाद सभी लोगों को हक और अधिकार मिले हैं, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, जो राजनीतिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कर्मचारी बनने का अधिकार, ये सारे अधिकार संविधान प्रदत्त हैं और वो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज क्या आयोजन किया है, क्या कार्यक्रम? आज यहाँ संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और संविधान के बारे में चर्चा की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।